हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोगों को स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो गाइज कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइज एक जानकारी लेकर आए हैं आज। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भाई को सपोर्ट कीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं राधेश्याम जी। सालों से एक साथ रहते थे हम दोनों आदमी और वीडियो में भी काफ़ी आप लोग देखे होंगे। 40-50 वीडियो जब स्क्रॉल करेंगे आप तो नीचे हमारा यूट्यूब चैनल का वीडियो देख पा रहे होंगे कि राधेश्याम जी हमारे साथ में पहले वीडियो बनाते थे और कुछ कारणवश उनका एक्सीडेंट हो गया और बाइक एक्सीडेंट पड़ने के बाद 4-5 महीना हॉस्पिटल में थे। तो पूरा जानकारी आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसे बाइक एक्सीडेंट हो गया उनका। तो चैनल पर आप लोग बन रहिएगा। तो चलिए हम पूछते हैं राधेश्याम जी से और कुछ उनको बताना है, आप लोगों से शेयर करना है, थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा। तो गाइज आप लोग पूरा ये डिटेल में सुनिएगा कि कैसे घटना हुआ था। तो चलिए हम पूछते हैं राधेश्याम जी से, वो अपने खुद बताएंगे वो अपना जो एक्सीडेंट हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हो गया उनको और उनसे क्या सीखना चाहिए, कैसे बाइक चलाना चाहिए, पूरा कुछ इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, तो फिलहाल हम अभी ठीक हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा अभी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। और ये तो बहुत भारी घटना हो गया था, बाइक एक्सीडेंट हो गया था। क्या बोले आप लोग के, तो सुनाने वाला बात नहीं है, फिर भी सुनाना पड़ रहा है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बात है सबको लिए, एकदम ये अच्छा बात है क्योंकि बताना चाहिए और लोग भी होगा, हम जैसे मैंने ना बुझने वाला लोग। तो आप लोग को पहले सबसे पहले बता रहा हूँ जे जब बाइक आप लोग चला रहे हैं, ठीक है, आप लोग सबसे पहले लाइसेंस बनवा लीजिए क्योंकि लाइसेंस को बहुत मान्यता है, उसका लाइसेंस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होगा। और तो घटना तो ऐसे ठीक है, सब लोग तो ठीक ही रहता है, मगर फिर भी जो सर संगत में रहने वाला आदमी जो होता है ना, कोई कोई ऐसा आदमी रहता है जो वो जब आपको गिरते हुए देखेगा तो वो एकदम छोड़ देगा। जैसे हमारा साथ भी हुआ, ऐसा ही हुआ। जब बाइक हमसे एक्सीडेंट हुआ ना, उस टाइम में हमारा जो पीछे बैठा था वो एक दोस्त था, साला वो दोस्त नहीं था, ऐसे मैंने घूमने के लिए उस दिन वो आ गया था हमारा साथ में, वही लेके बुला कर घूमने के लिए बोला जो चलिए यहाँ पे चलना है, घूमना है, ऐसे वैसे निपलिस मार के ले गया। उसके बाद जब एक्सीडेंट हुआ ना तो उसको कुछ नहीं हुआ, हमारा तो एकदम मैंने बेहोश हिसाब हो गया था, बेहोशे हो गए थे हम, 4-5 दिन ICU में भी रहना पड़ा। उसके बाद वो जो खेकना बना दिए ना, खेकना काट दिए, उसके बाद वैसा आदमी के साथ में कभी भी आप लोग भी घूमना नहीं चाहिए क्योंकि उसको कुछ हुआ ही नहीं, हमसे ज़्यादा खेकना काट दिया वो, ये तो बहुत ना सोचने वाला बात है। ऐसा काम कभी भी आपको दोस्त के साथ में कभी भी करना नहीं चाहिए क्योंकि दोस्त दोस्त होता है ऐसा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम कभी और मिलेंगे। आपको कहना चाहते हैं राधेश्याम जी, हाँ बोलिए, जब आपको आप जब निकले रोड में तो कैसा उस समय समय था कि आपको एक्सीडेंट हो गया? अच्छा, एक्सीडेंट आपसे हुआ कि उस व्यक्ति से हुआ? अब जैसे वो रात को तो 9 बज रहा था, 9:30 का टाइम हो गया था जी, रात का, हाँ जी। और वो उधरे से आ रहा था, वो अपना हम तो अपना साइड में जा रहे थे जी, हमारा साइड। लगभग आपका बाइक कितना स्पीड में होगा उस समय? उस समय वो वही आपको 50 का स्पीड में होगा, 50 का स्पीड में काटा था। अच्छा, आपका बाइक 50 की स्पीड में था और उस जो आदमी आपको ठोकर मारा है उसका बाइक कितना स्पीड में होगा, लगभग आपको अंदाज है? हाँ अंदाज है ना, उसका भी वही 50-60 का स्पीड में उसका भी था। और दोनों उसका जो गलती तो पूरा एकदम वही किया है, अब प्रॉब्लम बढ़ गया है थोड़ा, वो पुलिस वाला हो गया ना, इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर लाइन का आदमी है, उसलिए थोड़ा वो कुछ जी। जैसे कि आपका जो एक्सीडेंट हुआ है उस व्यक्ति वो पद में है, कोई इंस्पेक्टर है? हाँ हाँ, वो पहले से इंस्पेक्टर था, अभी जागीर छोड़ दिया है, जागीर छोड़ दिया है वो। अच्छा, वो आपका ये एक्सीडेंट में लगभग खर्चा कितना हो गया आपका पैर में? ये तो पूरा मैंने एकदम करते धरते आपको वही 14 लाख रुपया जितना लग गया, 14 लाख रुपया नेपाली करेंसी आपका
ये इसमें खत्म हो गया, 14 लाख खत्म हो गया, 14 लाख रुपया, एक रुपया भी वो हरजाना नहीं दिया आपको? नहीं दिया। अच्छा, उसका घटना से आपका बड़ा है कि उसका बड़ा घटना है? उसका तो कुछ नहीं है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर से सुराया है, तो उससे कुछ बड़ा घटना थोड़े बोला जाएगा। बड़ा घटना तो हम हमारा जैसा जो साला अंगुड़िए के दो पैरे हटा दिया है, दो अंगुड़िए हटा दिया है, उसका ना बड़ा बोला जाएगा? आदमी को अंग भंग हो जाता है उसका ना बड़ा बोला जाएगा? वो थोड़ा सा छिछुरा मिछुरा तो ऐसा ही भी गिर के थोड़ा मोड़ा छिछुरा जाता है ना, वही है। अच्छा, ये जो आपका घटना हुआ ये 4 महीने पहले हुआ? हाँ, 4 महीने कैसे, आज तो अभी वीडियो जो हम लोग वीडियो पे अभी लाइन में है जी, इससे आपको लगभग 5 महीने जितना हो गया, 5.5 महीने जितना हमको ये वीडियो में हम लोग बना रहे थे, 5 महीने बीत गया था। हाँ, बीत गया था जी, जी, वो पिछले वीडियो जो हॉस्पिटल वाले आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, हमारे दोस्त लोग हाँ, देखे हैं वीडियो, तो वो वाला 5 महीने पहले वो वीडियो, अभी 5 महीने बाद में आए हैं क्योंकि थोड़ा अब ठीक हो गए हैं हम। बहुत ज्यादा सीरियस थे ना? बहुत ज्यादा सीरियस। हॉस्पिटल में इनको 4 से 5 महीना रहना पड़ा काठमांडू में। हॉस्पिटल में 5 महीना रहना बहुत तकलीफ का बात है, इतना तकलीफ होता था वहाँ पे, इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि कितना तकलीफ होता था। डॉक्टर जब ऑपरेशन में ले जाते थे तो कितना दर्द होता था, कितना दर्द होता था? वो तो दर्द की बातें नहीं पूछिए, वो तो इतना ना दर्द होता था ये, जैसे आपको डबल डोज बोलता है ना इंजेक्शन होता है, वो साला एकदम मैंने सुला देता है पूरा, मतलब कि हाँ एकदम सुला देता है वो, 2 दिन एकदम सुला देता है। हाँ, ऐसा ऐसा इंजेक्शन देकर वो करता था, और ज़्यादा कस के दर्द होता था फिर भी देता था, और नॉर्मल हो जाता था तो ठीक था, ऐसे दर्द उर्द का दवाई ववाई देकर काम चला देता था, अगर ज़्यादा हो गया तो इंजेक्शन देता था। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शक बिन, हमारे जो वीडियो देख रहे हैं, जितना फैमिली यूट्यूब फैमिली है, उनको क्या सीख के देना चाहते हैं कि बाइक में सबसे पहले क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट रख के बाइक को खरीद कर चलाना चाहिए रोड पे, क्या आपके आपको सलाह देना चाहिए आपको? तो जैसे बाइक तो हमारा भी जो जून बाइक था ना वो एकदम क्लियर था, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसका, क्योंकि हम लोग हाथ से नहीं चला रहे हैं गाड़ी, हम लोग तो देखे होंगे आप लोग हर एक वीडियो में देखे होंगे, हम लोग बाइक चेंज कर के चलाते थे, और वो अचानक एक तो घटना का एक तो बात नहीं होता है कब घटना घटेगा जी, फिर भी साथ तो घटना घट सकता है, लेकिन आप लोग जो राजश्याम जी बता रहे हैं उस हिसाब से आप लोग को क्या सेफ्टी रखना चाहिए बाइक में, और कैसा कौन चीज़ कागज़ पत्र रखना चाहिए जो आप जो शेयर कर सकते हैं दर्शक बिन को? अब वो क्या है ना, जो बाइक हो आप लोग खरीदिएगा उसका एकदम कागज़ पत्र एकदम टंच कराइएगा, उसका बीमा कराइएगा, आपको नेपाल में, नेपाल का बात बोल रहे हैं हम, नेपाली हैं हम लोग, तो नेपाल में आप लोग का जो बीमा होता है ना वो साल का 6,000 रुपया लेगा वो आपको बीमा का, वो बीमा कराइएगा, आपको एक्सीडेंट होगा उसके बाद आपको जितना पैसा लगेगा ना, 1 लाख से अगर बढ़ जाएगा, बड़ा एक्सीडेंट हो गया जैसे हमको हो गया 14-15 लाख रुपया लग गया, तो बीमा कराइएगा आप लोग, बीमा जब आप लोग के पास होगा 1 लाख से ऊपर आप लोग का खर्चा लगेगा, अगर एक्सीडेंट हो गया उसके बाद 2 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे लगता है ना, तो बीमा वाला सलट लेता है, बीमा वाला कंपनी सलट लेता है जी। तो सबसे पहले आप लोग को तो यही बोलना चाहता हूँ क्योंकि बीमा रखना चाहिए गाड़ी को बैठे तो फुल लाइसेंस कराइए, फुल लाइसेंस रखिए, उसके बाद बीमा रखिए, उसके बाद गाड़ी टंच रखिए, थोड़ा थोड़ा पैसा के लिए कोई कोई भाई लोग को देखते हैं जे सही बिना ब्रेक वाला गाड़ी लेके चल देते हैं, बिना बोले वाला रात में हाँकने लगता है, कोई मनमर्जी करता है, ऐसे दोस्तों लोग नहीं करना तो चाहिए। इम्पोर्टेंट आपका जो आप बताए हैं दर्शक बिन को, इम्पोर्टेंट आपका बीमा होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, और हेलमेट होना चाहिए। हेलमेट के बाद जिक्र नहीं किए हैं, लेकिन हेलमेट भी इम्पोर्टेंट है भाई। देखिए आप लोग को जब एक्सीडेंट होता है ना, किसी का अगर एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन हो अगर से खुदा न खास्ता हो जाए तो इम्पोर्टेंट आपका हेलमेट होता है। हेलमेट अगर बाइक में नहीं लगाते तो ऐसे भी हेलमेट उतना भारी नहीं होता है, उतना वजन नहीं होता है, हेलमेट लगाने में क्या जाता है, लगा लीजिएगा और उसमें कीड़ा वगैरह भी नहीं पड़ता है। ऐसे भी पुलिस चेक में भी अगर ब्लू बुक आपके पास नहीं है, हेलमेट क्या होता है, लाइसेंस नहीं है, तो हेलमेट रहेगा तो आप लोगों को छोड़ देगा। तो गाइज काफ़ी हमारे राजश्याम जी को, हमारे दोस्त को काफ़ी तकलीफ हुआ है, और कुछ दर्शक दिन को बताना चाहते हैं आपकी, आप बताइए सहायता हुआ है कि ना, दोस्त लोग से सहायता मिला है? दोस्त लोग से तो हमारा दोस्त लोग बहुत था, सबसे ज़्यादा तो हमारा सिकंदर जी तो खास थे, हॉस्पिटल में हम जितना दिन रहे उतना दिन हेल्प किए हैं,
और उसके बाद तो और दोस्त लोग भी था, वो भी घूमने के लिए गए हैं कभी कभी देखने के लिए। सबसे खास तो हमारा पहले से भी सिकंदर जी है, तो किए बहुत हेल्प किए है जी, यही कहना चाहते हैं हमारे दोस्त ऐसा चुनिए आप लोग जो एकदम मरते समय तक वो आपको साथ दे। ऐसा एक जो इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ उस टाइम मेरे जो पीछे बैठे थे ना, वो साला दोस्त था एक, गाली दे रहा हूँ उसको क्योंकि वो बहुत ख़राब है आदमी है साला। वो जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद उसका होश था, एकदम ठीक था, वो चल रहा था, फिर भी साला वो सो गया, ऐसे सो गया जो वो बेहोश हो गया है हमसे भी ज़्यादा। हमारा तो एकदम पैरे यहाँ से यहाँ तक बेंच खत्म हो गया था। अच्छा, ये दर्शक भी इनको दिखा सकते हैं थोड़ा पैर? ये क्यों दिखाएं, ये तो ज़्यादा है ना, ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा है गाइस। अगर पैर दिखाएंगे तो आप लोगों को होश उड़ जाएगा। तो थोड़ा सा क्लिप हम आपको रख देंगे, फोटो एक रखे हैं, थोड़ा सा क्लिप रख देंगे, आप लोग देखिएगा क्योंकि ये देखने लायक नहीं। इतना गंभीर घायते हुए ना, इतना जोर से लगा था ना बाइक में कि 4 महीना हॉस्पिटल में पड़ना पड़ा। 4 महीना हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा होता है। तो गाइस इतना ही कहते हैं हम लोग, विदा मांगते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो गाइस छूटते हैं, नमस्कार, बाय।